Good morning, student. I hope so you all are fine and doing drawing and mathematics also very well. मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ना. Am I right? Yes or no? Yes. ऐसा लगता नहीं, आप कर रहे हो. मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग रोज डेली सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर बनाने में रोज वन पेज टू पेजेस ड्राइंग कर रहे हो. और ड्राइंग में भी आपको सीखना है, बिकॉज ड्राइंग हमारी मैथ्स से रिलेटेड है, मैथ्स हमारी ड्राइंग से रिलेटेड है. अगर आप मैथ्स से अच्छा करोगे तो ड्राइंग अच्छी होगी, ड्राइंग अच्छा करोगे तो मैथ्स अच्छा हो जाएगा. ओके, देन लास्ट क्लास में आपने क्या सीखा था? यू लर्न अबाउट शेप. विच वन? स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स इन स्क्वायर देयर आर फोर लाइन्स आर इक्वल. स्क्वायर में फोर लाइन्स इक्वल होती है. फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग हियर अ स्क्वायर. मैं एक स्क्वायर यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ. इट इज अ स्क्वायर. इन दिस स्क्वायर देयर आर वन टू थ्री फोर. फोर लाइन्स आर देयर बट फोर ऑल आर इक्वल. चारों बराबर है. वन टू थ्री फोर. फोर लाइन्स आर स्क्वायर बट फोर आर इक्वल लाइन्स. कोई भी लाइन आपको से लगे थोड़ी सी बड़ी है या कोई थोड़ी सी छोटी है? नो, दैट मीन्स फोर लाइन्स आर इक्वल इन स्क्वायर. स्क्वायर में पूरी फोर लाइन्स इक्वल यानी बराबर होती है, ना कोई बड़ी ना कोई छोटी. बट इफ वी विल क्या जॉइन टू स्क्वायर टूगेदर देन मेक अ रेक्टेंगल. क्या हुआ? अगर हम दो स्क्वायर को एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल. दैट इज वेरी इजी. आई एम जॉइन वन मोर हियर स्क्वायर. एक स्क्वायर मैंने बना लिया है, एक स्क्वायर और बनाना है. अगेन वन ड्रॉ स्क्वायर हियर. अब क्या हो गया? दो स्क्वायर मिलाया तो दो स्क्वायर दिख रहे हैं हमारे पास. बट इफ वी विल रिमूव दिस लाइन देन मेक अ रेक्टेंगल. अब क्या बन गया? ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली और नीचे वाली, दैट मीन्स कौन सी? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बोथ आर इक्वल. बोथ का मतलब दोनों, ऊपर और नीचे वाली लाइन्स बराबर होती है. और कौन सी दो लाइन्स? ये साइड वाली लाइन और ये साइड वाली लाइन, ये दोनों बराबर होती है. कौन सी? साइड वाली. बोथ लाइन्स आर इक्वल एंड अप एंड डाउन साइड वाली लाइन इक्वल. दैट मीन्स ऊपर की और नीचे वाली लाइन्स बराबर होती है और साइड की दोनों लाइन्स बराबर होती है. ना तो ये इससे बराबर है ना ही ये इसके बराबर है. दैट मीन्स ये दोनों लाइन से ये दोनों लाइन से. बट स्क्वायर में क्या था? फोर लाइन्स आर इक्वल. स्क्वायर में चारों लाइन सेम थी. दैट मीन्स अगर हम दो स्क्वायर को मिलाएंगे तो हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा. क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल. आई एम राइटिंग हियर द नेम ऑफ दिस शेप, रेक्टेंगल. ए एन जी एल ई आर ई सी टी. रेक्ट. ए एन जी एल ई एंगल. रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल आपकी बुक रेक्टेंगल शेप में होती है. सपोज आई हैव अ बुक. ये मेरे पास एक बुक है. आई विल शो हियर दिस वन. इट इज अ फाइल. ये एक फाइल है, ठीक है. ये फाइल कौन से शेप की दिख रही है आपको? ऐसे ऊपर की दोनों लाइन से और साइड की दोनों लाइन से. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो इन रेक्टेंगल शेप. ये कौन से शेप में है? इट इज इन रेक्टेंगल शेप. इफ वी विल टेक अनदर कॉपी और बुक, दिस वन इट इज ऑल्सो इन रेक्टेंगल शेप. ओके, ये दोनों लाइन सेम है और ये दोनों लाइन्स सेम है. दैट मीन्स इन रेक्टेंगल बोथ द लाइन्स अप एंड डाउन साइड
एंड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड की लाइन सेम होती है, बट इन स्क्वायर, स्क्वायर में ये लाइन सेम नहीं होती, स्क्वायर में फोर लाइंस आर इक्वल. ओके क्लियर, देन हाउ टू ड्रॉ इट इन अवर कॉपी आई विल शो यू दैट. ओके अब मैं आपको बताऊंगी आपकी नोटबुक में आपको कैसे लिखना है. फर्स्ट वी विल राइट हियर अवर हेडिंग शेप्स, हमें पहले क्या लिखना है यहाँ शेप्स, देन हाउ टू ड्रॉ इट. दिस इज योर स्क्वायर बॉक्स पेज, दीज आर द विच लाइन, जल्दी बताओ नाम, नाम बताना है आपको, विच लाइन्स आर देयर, वेरी गुड, स्लीपिंग लाइन्स, दीज आर द स्लीपिंग लाइन्स एंड दीज आर द स्टैंडिंग लाइन, वेरी गुड, दिस इज द स्टैंडिंग लाइन. हाउ टू ड्रॉ हियर विच वन, स्क्वायर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल. ओके कैसे ड्रॉ करना है, आई एम शोइंग हियर जस्ट टू सी. वन एंड टू आपको क्या लेना है, दो स्क्वायर को लेना है और ये आपका दो स्क्वायर लेके लेकर रेक्टेंगल कैसे बन गया, ये दो स्क्वायर को छोड़ना है. अगेन यू विल ड्रॉ लाइन हियर, आप इसको ऐसे कलर भी कर सकते हैं आपकी पेंसिल से, इफ यू वांट टू कलर इट देन नो प्रॉब्लम. ओके दिस वन क्या हो गया, ये इट इज अ रेक्टेंगल, यू विल ड्रॉ रेक्टेंगल्स इन योर कॉपी ओनली वन टाइम, राइट द नेम ऑफ द रेक्टेंगल, सिर्फ आपको एक बार नाम लिखना है. हियर आर ई सी टी, आर ई सी टी रेक्ट, ए एन जी एल ई एंगल रेक्टेंगल, राइट ओनली वन टाइम दिस नेम एंड ड्रॉ सो मेनी टाइम्स, ड्रॉ फुल टू पेजेस दैट इज रेक्टेंगल. अब आपको यहां पे क्या करना है, लीव वन लाइन, उसके बाद में अगेन यू विल ड्रॉ हियर. ओके दैट इज वेरी सिंपल, आपको बहुत आराम से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो बिकॉज आपकी जो नोटबुक है वो स्क्वायर बॉक्स वाली ही है और हम दो स्क्वायर को लेके वी विल मेक अ रेक्टेंगल. ओके दैट इज वेरी सिंपल, कैसे करना है उसको, अगर आपको ड्रॉइंग की बुक में भी बनाना है देन यू कैन ड्रॉ इट इन ड्रॉइंग नोटबुक ऑल्सो. कैसे बनाना है, वन टू मेक सम डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस देन ड्रॉइंग विथ लॉन्ग लाइन, इट इज अवर रेक्टेंगल. ओके इट इज अवर रेक्टेंगल, यू ड्रॉ इन यूर ड्रॉइंग नोटबुक ऑल्सो नो प्रॉब्लम, देन ड्रॉ दिस रेक्टेंगल इन यूर मैथमेटिक्स नोटबुक. हाउ मेनी टाइम्स, टू पेजेस यू ड्रॉ द शेप ऑफ रेक्टेंगल इन यूर नोटबुक, ड्रॉ इट क्लियरली, रबर का यूज ज्यादा नहीं करना है, नोटबुक के पेजेस नहीं फाड़ना है, डू इट वन नीट एंड क्लीन, हमारा वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए विदाउट मिस्टेक, करना है पर कैसे, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना मिस्टेक के हमें करना है और हमारी नोटबुक बिल्कुल जैसे जैसे आप इतने सुंदर हो ना वैसे ही हमारी नोटबुक को भी सुंदर रखना है, बहुत नीट एंड क्लीन रखना, पेजेस नहीं फाड़ना, उसमें गड्ढा नहीं करना, बार बार रबर से मिटाना नहीं, नोटबुक को काला नहीं करना, ओके नीट एंड क्लीन रखना, जैसे आप अपने फेस को अपने बॉडी को रखते हो सेम वैसे हमारी नोटबुक होना चाहिए, बहुत अच्छी, देन यू विल गेट गुड मार्क्स ऑल्सो. ओके थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे. ओके बाय.